दिस प्रेजेंटेशन इज ऑन एथिक्स, और जब से मैंने एथिक्स पढ़ानी शुरू की थी तो उसमें सबसे जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया इस पर काम करने के लिए वो ये पिक्चर थी। इफ़ आई आस्क यू, अगर इसमें मज़ा उस वक्त आएगा व्हेन यू पार्टिसिपेट इक्वली, तो अगर आपकी तरफ से जवाब आएगा तो मज़ा आएगा, वरना बहुत मज़ेदार नहीं है प्रेजेंटेशन। सो इफ आई आस्क यू के हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस पिक्चर, व्हाट वुड बी योर आंसर? सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा ज़्यादा गलत ही होगा ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके अलावा क्या चीज़ समझ में आती है ये, इसको देख के आपको क्या लगता है कि what इट कुड बी, वो क्या रहा है इस पिक्चर में? यस सर, कुछ कलर्स का भी डायरेक्शन, एक तो एक बाइनरी सिंबल आता है इसमें, इट मीन समथिंग, ये हो सकता है कि आपने हाथ मिलाते हैं, इट हैज सम मैसेज एंड सम इंफॉर्मेशन, मदर इस सर्विस इन ब्लू इज कुड बी लाइक सोशलाइजिंग, ऑनलाइन सोशलाइजिंग, कोल्डनेस एंड वार्मनेस समथिंग। अब इसमें एक ही वक्त में इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, आप उसे जिस तरह से देखेंगे वो वैसे नज़र आएगी, ठीक है। मैं इसको एक और अंदाज से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं आपको सिर्फ इसी पिक्चर को देख के आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक शुड बी द टॉपिक ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, तो यहाँ से कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं कि व्हाट कुड बी द टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन, बिकॉज आई डिडंट राइट द टाइटल। यस प्लीज जवाब। यस यस, मैन मशीन सिस्टम, अपार्ट फ्रॉम दैट यस, ब्लैक एंड वाइट इज द राइट आंसर। यस, ब्लैक एंड वाइट में, अब इसमें आप ये देखें एक खूबी कि एक्चुअल पिक्चर ये नेट पे आपको मिल जाएगी एग्जैक्टली इसी तरह से, तो एक्चुअल पिक्चर जो है वो वाइट वाली थी, जब मैंने उसका एक्सरे लिया तो वो तो ये मुझे नज़र आई। अब इसमें भी आप देखें तो ब्लैक और वाइट प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। सर वो वैसे ब्लैक नहीं है, ब्लू है। एक्सरे में तो नॉर्मली ऐसा ही आता है। अब मैं आपको जो इसके इंटरप्रिटेशन है मैं वो बता दूं पहले, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इट मींस। इसमें मैंने दिखाने की जो कोशिश की है वो है हैंड शेकिंग ऑफ ब्रेन एंड माइंड। हम जब ढाबे पर जाते हैं तो हम ब्रेन मसाला मंगवाते हैं, माइंड मसाला नहीं मंगवाते। तो इसमें जो बाइनरी हैंड जो दिखा रहा है वो माइंड का कॉन्सेप्ट है, और जो फिजिकल हैंड दिखा रहा है वो है ब्रेन का कॉन्सेप्ट। और मैंने अभी आपसे शुरू में मैंने कहा था कि एथिक्स का जो एसेंस है वो ये है कि इट हेल्प्स यू इन डिसीशन मेकिंग। तो डिसीशन मेकिंग जो है वो आपके ब्रेन से, सॉरी माइंड से होती है। यू रीड इट एंड देन आस्क मी द क्वेश्चन। इफ आई एम इग्नोरेंट अबाउट अ फिनोमेना, दिस इज अ फैक्ट अबाउट माई स्टेट ऑफ माइंड, नॉट अ फैक्ट अबाउट द फिनोमेना। कन्फ्यूजन एग्जिस्ट इन द माइंड, नॉट इन रियालिटी। देर आर मिस्टीरियस क्वेश्चंस, नेवर मिस्टीरियस आंसर्स। नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन प्लीज? इट्स रियली नॉट रिलेटेड टू इट, बट इट हैज़ टू डू विद shaking hands, right, in a Islamic way. And I read somewhere in Hadith that it's if a person shake hands with another person, right, like uske koi hazar gune maaf ho jate hain. I mean, that's what I read somewhere in Hadith, in Chinese and English, but I'm not sure if that has to do with the same thing. In fact, my intent of putting this picture was not the one which you are saying. Okay. My intent was that we have to create a kind of relationship between the things which are existing around, and by having a look at those pictures or whatsoever we are looking around, instead of coming up with our judgment right in on the face value, we have to think first and then come up with our judgment. That is the essence, and that's what ethics is all about. When we move on, we'll come to realize that how important it is
to have an understanding of this subject, and it is the missing link which we are missing a lot in our society. And once we have it, I give you my words that we can bring in change. And I'll give you examples as well once we are done with it. Okay, it says that the world is either black and white or it's filled with colors. Do you agree with it or not? It is filled with colors. Yes. It is filled with colors. Okay. Move colors. How would you interpret these pictures? And what is unique about it? I mean, if I'm writing that, I'm trying to give you a different perspective. How you can interpret that different perspective is visible from these pictures. When I make presentations, I don't make use of the words. I make use of the pictures. मैं pictures की ज़बान में बात करने की कोशिश करता हूँ. उसकी वजह ये है कि pictures speak louder than words, you know. And I'll prove it just now. The picture which is there of a rose. It is a black rose. And I don't know if you have seen the white lines, but they do exist, right? So black and white तो वहाँ से आया है. डिफरेंट परस्पेक्टिव को इसमें आप देखें तो परस्पेक्टिव को उल्टा दिखाया गया है. उल्टा दिखाने का मकसद ये है कि जो हमें नज़र आ रहा है वो एक्चुअली वो होता नहीं है, होता कुछ और है. और अगर आप एथिक्स को वाइट में जब देखते हैं तो इट इज़ परफेक्टली रिटन इन इट्स राइट स्पेलिंग, बट वेन इट इज़ रिफ्लेक्टेड तो आपको उसमें ट्विच नज़र आ रहा है, राइट? तो यहाँ से ही चीज़ नज़र आती है कि ब्लैक इज ब्लैक एंड वाइट इज वाइट. नाउ व्हाई इट इज लाइक दिस आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट इन अ मोमेंट.